हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का यार स्वागत है यार स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। सो यार, काफी सारे बच्चे मॉक सीट अलॉटमेंट का डेडलाइन मिस कर दिए हैं। काफी सारे बच्चों को यार अब टेंशन हो रही है कि भाई मॉक सीट अलॉटमेंट का जो टाइम था वो निकल गया, क्योंकि आपका मॉक सीट अलॉटमेंट का जो टाइम था ना यार, अभी मॉक राउंड 2 का रिजल्ट कल आएगा, ठीक है। आज 16 तारीख है, 16 तारीख जिन बच्चों ने 16 जून, ठीक है, शाम 5 बजे तक जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग लिस्ट करी है, सिर्फ उनका ही रिजल्ट आएगा। जो चॉइसेस आपने भरी है 5 बजे के पहले, जिन बच्चों ने रजिस्टर करके भरा है, उनका ही रिजल्ट आएगा कल दोपहर को। कल 17 जून आफ्टरनून 12:30 बजे का टाइम है, सिर्फ उन बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट आएगा मॉक राउंड 2 में। तो जिन बच्चों ने ये डेडलाइन मिस कर दिया चॉइस फिलिंग का, उनका अब मॉक राउंड का रिजल्ट नहीं आएगा। क्या ये नुकसान वाली बात है? नहीं, सिर्फ हल्का सा एक नुकसान है कि अगर आपका चॉइस फिलिंग में कुछ गड़बड़ी है तो वो आपको पता चल जाता मॉक राउंड 2 के रिजल्ट में, आप उसको अल्टर कर सकते थे, ठीक है। कहने का मतलब है, कोई खराब चॉइस आपने ऊपर भर दिया हो, वो आपको मिल जाए मॉक राउंड 2 में, तो आपको दिख जाएगा कि भाई ये तो खराब चॉइस है, तो मेरे को लीस्ट प्रायोरिटी में है, तो उसको आप फिर नीचे कर सकते हो, बाकी कॉलेजेस को ऊपर कर सकते हो जो आपको करना। मतलब बेसिकली अपने इसके रिजल्ट के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते थे, अब वो मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके चॉइस फिलिंग में कोई गड़बड़ी है तो आपके राउंड 1 के रिजल्ट में आपको शो हो जाएगा। अब इसको बचाने का एक ही तरीका है कि अभी आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर 18 तारीख तक सही से भरनी है, ठीक है। आप समझ लो बात को, आज आपके पास में 16 तारीख है, कल 17 है, मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है मिस हो गया तो। और 18 तारीख शाम 5 बजे तक, इस टाइम तक अगर आप चॉइस फिलिंग सही से भर लेते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इवन दो आपने मॉक राउंड में पार्ट नहीं लिया है तो भी। मॉक राउंड इज नॉट द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। आप चॉइस फिलिंग सही से करो, आपको इससे कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको सही से भरना है। चॉइस फिलिंग लिस्ट अगर आप नहीं भर पा रहे हो, आप एनरोल करो आईएचबीआई काउंसलिंग के अंदर में, मैं आपके लिए बना के दूंगा। आप अगर आज एनरोल करते हो तो आपको कल आफ्टरनून तक आपका जो है मॉक सीट चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मॉक सीट अलॉटमेंट से उतना लेना देना आप नहीं है, जिन बच्चों ने किया उनका लेना देना है, जिन्होंने मिस कर दिया उनके लिए कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। आपने अभी तक रजिस्टर नहीं भी किया तो भी आप जाके रजिस्टर करो, चॉइस फिलिंग भरो, चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रेफरेंस सही तरीके से आपके हिसाब से आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे कस्टमाइज करके आपको दिया जाएगा। और उसको आप जब भरोगे तो जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा 18 तारीख के बाद में 19-20 तारीख तक, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। जो सीट आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा आपके प्रेफरेंस और रैंक के हिसाब से, ठीक है। सो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अब सीरियस हो जाओ क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। लास्ट में बहुत रश हो जाता है, मुझे सालों का एक्सपीरियंस है, बच्चों के साथ डील करता हूं मैं, ठीक है। सो अभी आज के आज आप इसमें एनरोल करो और चॉइस फिलिंग लिस्ट मेरे से लो एंड उसको फिल करो आराम से बढ़िया से, ताकि आपको एंड मोमेंट कोई भी दिक्कत ना आए। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।